किन्ने सांप इत्थे? दो। ओ मेरा ख्याल इत्थे सांप कोई इत्थे मैनूं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज अभी मुझे लग रहा है कि मैंने ना एक गलती कर दी है, तो काफी ज्यादा ना मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये गलती की क्यों। तो गलती अभी आपको बताता हूँ, गलती है क्या। तो शायद मैंने आपको, शायद नहीं बल्कि मैंने किया है जिक्र आप पिछले दो ब्लॉग में, कि मैंने एक सांप देखा था, मैंने और मुजम्मल ने रात के वक्त। तो हमने उसे जाने दिया और मैंने उसकी वीडियो बना दी थी। तो इस तरफ या इस तरफ आप वीडियो आ रही होगी उस सांप की। तो वो आप सांप देख सकते हैं कितना छोटा सा लग रहा है और क्यूट सांप लग रहा है। तो लेंथ उसकी काफी ज्यादा लंबी थी, लेकिन जो वो सांप था बहुत ज्यादा प्यारा डिजाइनिंग वाला। और मैंने जब उसे देखा करीब से, मुझे ऐसे लगा कि ये ऐसा वैसे सांप होगा, तो जाने देते हैं। उसके बाद जो है एक वीडियो मेरे सामने है, तो उसमें भी दो सांप थे, लेकिन जो वाला जो सांप मैंने देखा था उस सांप पे ज्यादा फोकस किया गया। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा या तो ये कुछ स्पेशल सांप होगा या इसकी ब्यूटी की वजह से ये सांप मशहूर होगा कि लोगों ने भी पाला हुआ। दोबारा मेरे पास वो वीडियो आई, उस दिन मैंने इग्नोर कर दी। दोबारा वीडियो मेरे पास आई, फिर मैंने उस वीडियो के कमेंट्स देखे, तो कमेंट्स में उस वीडियो का, उस सांप का नाम भी था और उस सांप के बारे में कहा गया था कि वो बहुत ज्यादा जहरीला सांप है। तो फिर मैंने उस नाम के साथ गूगल सर्च की है, तो वहां पे वाकई वो सांप जो है ना बहुत ज्यादा जहरीला है, और इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड में सबसे ज्यादा आवाज जो है इसी सांप के डसने से होती है। ये जो सांप है ये एक कोबरा सांप होता है जिसे नाग भी कहते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा ये जहरीला सांप होता है। तो मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया। जिस बंदे की वीडियो मैंने देखी है वो कह रहा है कि ये सांप छोटा होता है, क्यूट होता है, प्यारा सा होता है। लोग कहते हैं कि ये बड़ा जी छोटा सा, जैसे मैंने कहा था, लेकिन उसने कहा जितना ये छोटा सांप है उतना ही ये जहरीला और तीखा सांप है। तो मैंने मारा नहीं है। तो जहाँ से हम गुजरते हैं, हम काफी ज्यादा लोगों का वहां से गुजर होता है रात टांग, तो हम भी रात के वक्त थे, तो रोड के ऊपर आया था, साथ ही गेट है, साथ ही झाड़ियां, तो अक्सर वहां से बच्चे भी गुजरते हैं। तो अभी मुझे वो टेंशन हो रही है कि मैंने क्यों नहीं मारा था उस सांप को। तो अभी हम सोच रहे हैं कि उस सांप को आज ढूंढेंगे, तो बाकी का काम जो है शाम को करेंगे। अभी तो सुबह है, तो अभी शाम में सांप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शाम के वक्त रात के वक्त निकलता है। तो अभी फिलहाल ना सांप जो है वो मिलेगा। अभी जाके मैं नवीब भाई के घर से, मतलब के घर से अपनी गाड़ी लाके यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। भाई चले गए थे, तो अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। चाबियां मैं लेके आऊँ, गाड़ी की चाबियां मैंने ले ली है, तो अभी चलते हैं नवीब भाई के। और सांप मेरे मुँह से निकल गया गाड़ी लेके आते हैं। अभी वैसे बादल जो है ना वो थोड़े बहुत जो है आ रहे हैं, अभी 4-5 दिन हो गए बारिश ने भी। जब बारिशें ज्यादा होती है ना तो वो वाला सांप फिर ज्यादा निकलता है। अभी फिलहाल देखते हैं, आज ढूंढेंगे सांप को। ताया बोले ना ऊपर से चाबी फेंक रही है, तो खोल लेते हैं दरवाजा। वाह, तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी। ओए कितनी ज्यादा गंदी होगी, मैंने इसमें कपड़ा नहीं डाला था, मैंने कहा बारिश होगी तो ये खुद ही धुल जाएगी। तो अभी देखो कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रावो जी, ब्रा वो जी। चले जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। चेक करें कितनी गंदी हो गई पड़ी है, तो इसे धोना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अभी यहाँ से ले जाते हैं, घर जाके धोते हैं। शुक्र है स्टार्ट हो गई गाड़ी, मैंने खड़ी की थी तो यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ा के, तो देखते नीचे से लग तो नहीं गई। नहीं ही लग रही, वो साइड से सलेंसर थोड़ा सा मेरा लग रहा है, तो नहीं लग रही। चले जी अभी चलते हैं। तो ये चेक करें कितनी ज्यादा गंदी है, बाहर तो कैमरे से फिर नजर आ रहा है, उस तरह नजर भी नहीं आ रहा। और ये चेक करें चिड़ियों को तोहफे, चिड़ियों को तोहफे। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, तो अभी गाड़ी को मैं धो देता हूँ।
गाड़ी हमारी दुख चुकी है, तो अभी जो बारी ना इस बाइक की है, तो इस बाइक को भी मैं धो लेता हूँ। तो ये भी काफी ज्यादा गंदी हुई है, तो इसे भी ना ऐसे चुटकी में आगे धो ले। बाइक जो है वो भी धुल चुकी है, तो चेक करें इसके रिम वगैरह किस तरह चमक रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जंग जो है ना इन रिम्स को लग गया था, तो अभी मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ किया, बाइक साफ़ हो गई। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जंग है तो ये नहीं धो रहा था, तो इसे ऐसे छोड़ दिया, बाकी सारी ना साफ कर दी। और गाड़ी भी हमारी धुल चुकी है, तो लेकिन इसका ना एक साइड पर टायर की हवा मुझे लग रही है कि टायर पंक्चर हो चुका है, तो अभी लग रहा है, अभी जाके चेक करवाता हूँ। यहाँ तो हवा कम है, हवा कम है, यहाँ टायर पंक्चर है, यहाँ से तो कोई शह नज़र नहीं आ रही, तो जाके पहले हवा फिल करवाएंगे, अगर दोबारा हवा कम हुई ना तो फिर पंक्चर चेक करवाएंगे। और गाड़ी मैंने बाहर से तो धोती है, अंदर से उसी तरह गंदी है, तो ये फिर किसी दिन ना तसल्ली से करेंगे। अभी मेरी बस हो चुकी है, तो अभी चलते हैं गाड़ी लेके। यहाँ चेक करिए हवा घट है कि पंक्चर है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we यहाँ पे चेक करेंगे कि पंचर है कि नहीं है, यहाँ से अभी देखते हैं। अगर तो हवा के बुलबुले निकले ना तो वहाँ पे पंचर होगा, अभी देखते हैं। Maybe it's the chemistry, it's time to break up, so I can make a better me. पंचर तो कहीं घर से निकला नहीं है, मैंने सोचा हवा से कुछ ज्यादा निकल गई, शायद पंचर हो, तो इसलिए मैंने चेक करवा लिया। चलो अच्छी बात है, चेक करवा लिया, अगर होता तो लग जाता, अगर नहीं था तो भी नहीं, अच्छी बात है कि नहीं निकला। तो गाइस अभी मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो अभी खा लेते हैं दोपहर का खाना। खाने में आज बनाए जी गोभी, आलू गोभी और साग रोटी, तो अभी खा लेते हैं खाना। चलिए गाइस शाम हो गई है, तो अभी चलते हैं सांप को ढूंढने के लिए, और ये माचिस साथ ले जाते हैं, वहां पे झाड़ियों को ना आग लगा देंगे। चले चले, तो नवीब भाई भी आ गए हैं, उन्होंने मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, तो वो ले लिया, तो अभी चलते हैं और सांप को ढूंढते, नहीं तो वरना ना झाड़ियों को आग लगा देंगे। हैं सारी झाड़ियां सांप नहीं लगना, सांप बिच ही भुन हो जाना, फिर खावांगे बैग। तो गाइज ये झाड़ियाँ आप चेक करें, तो कितनी ज़्यादा घनी झाड़ियाँ, इसके अंदर मैं जाऊँगा नहीं वैसे, तो ये झाड़ियाँ चेक करें, तो यहाँ पे कहीं भी ना सांप हो सकता है। तो स्टिक जो है डंडा साथ हम लेके नहीं आए, तो इतने जगह उधर ना इतने बैठा देगा, असं ना इधरों आ रहे थे, इधरों इधरों आए हैं, तो इतने सड़क पर सांप बैठा थी, इतों हो गए यू करता 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 ना ये अंदर गया, इतने होना सांप। नहीं भाई उधर चले गए हैं स्टिक ढूंढने के लिए कोई डंडा वगैरह। तो सांप का नाम मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, तो सांप का नाम है जी कॉमन क्रेट, तो इसे कॉमन क्रेट कहते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप यही होता है। तो यहाँ पे था जब मैंने लास्ट टाइम देखा डंडा, यहाँ भी एक पड़ा हुआ है, ये मैं उठा लेता हूँ, तो ये डंडा तो मैंने उठा लिया, तो अभी ढूंढते हैं यहाँ पे सांप किधर है। तो ये झाड़ियाँ चेक करें कितनी ज़्यादा गनी जा रही हैं, तो यहाँ पे सांप कहाँ पे मिलेगा मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये जो सांप होता है ना ये ठंडी जगह पे रहता है और नरम मिट्टी के पे रहता है, तो यहाँ पे मिट्टी भी नरम है और जगह भी ठंडी है, घास वाली है, तो यहीं पे कहीं हो सकता है। मैं तो यहाँ से बाहर निकलूँ बस, ठीक है मोटा मोटा कर दे, तभी जो है डंडे को जो छापर वगैरह बांध दिया, बस एक ही बड़ा मैं करना दो करने, तो अभी फैसला ये होगा कि इसे ना आग लगा देते हैं, शाम तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आग लगा देते हैं,
चले जी, मिट्टी का तेल अभी डालते हैं इसमें। मिट्टी का तेल लग गया, लग गया। झाड़ियाँ जो है ना वो है ग्रीन, तो सरसब्ज है इसलिए आग नहीं उन्हें लग रही। सूखी हो ना तो फिर आग लग जाएगी, तो अभी आग ही नहीं लग रही। मिट्टी का तेल अभी आग लगी है, आग अब हाँ होने लगी है, लेकिन है ना फिर बोझा नहीं है, फिर बोझा नहीं। मलबा किस ले आ रही है, लेकिन बोझा नहीं ना, फैलती नहीं पाई, फैलूगी फिर झाड़ियाँ खत्म होनी है। अभी जो है ना झाड़ियाँ जो है गिली हैं, तो इन्हें आग नहीं लग रही। तो ये जो सूखी झाड़ी थी यहाँ पे आग लगाई है, तो सांप यही कहीं पे है, तो मेरे ख्याल में अभी सांप बाहर आ जाएगा या फिर ना अंदर ही जल जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ये सारियाँ झाड़ियाँ इतनी घनी है ना, तो अंदर भी नहीं बंदा जा सकता, इतना डर लग रहा है यहाँ। कितने सांप आए थे? दो। कितों देखे थे? हाँ उधर इतने थे, मैं इतने देखा थे, इतने थोड़े घर सामने इतने। तो यहाँ पे कहीं पे सांप है, तो वो देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी आग लग जाए, ये आग भी बुझी गई तकरीबन, फैली नहीं आग अभी ना, हो सकता है इधर आ नहीं इतने लगे आग। ओ मेरा ख्याल इतने सांप है, इतने मैनू लग रहा, इतने लानी पैनी आग, इतने लगानी पैनी, इतने कोई शहली नजर आई है, शहली नजर आई, इतने लाते था, इतने अग भी लगनी है, अग भी लगेगी इतने। यहाँ पे आग लग जाना एक मरतबा, तो ये कहीं पे सांप होगा मेरे ख्याल। हाँ होने सांप निकले आना, बाहर निकल आना, मैं आ गया। यहाँ तो सांप इधर वाली साइड पे आ जाएगा, या फिर ना यहाँ भी काफी ज्यादा जगह इस तरह की है, तो कहीं भी सांप हो सकता है यहाँ। अभी ये रोड पे जो झाड़ियाँ ना, तो इन्हें तो आग लगानी ही है, लगानी। अभी मैं ना जो खेत पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कोई चीज़ निकलती है कि नहीं निकलती। खुला मैदान है, तो यहाँ से देखते हैं कोई चीज़ इधर को आती है कि नहीं आती। तो ये चेक करें कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहाँ पे, तो वहाँ पे भी आग लगी हुई है, वहाँ पे भी लगी हुई है, और ज़्यादा करीब मैं जाऊँगा नहीं, तो यहाँ पे भी आग लगी है। तो अभी सांप कोई नहीं नज़र आया हमें, होगा यहीं कहीं पे भी, लेकिन अभी छुपा हुआ है, अभी छुपे हुए। ये चेक करें झाड़ियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ पे, तब भी सांप छुपा हुआ है, तो होना यहीं पे ही है ये कहीं पे। ये चेक करें मिट्टी कितनी नरम है, तो इस तरह की मिट्टी पे ना ये वाला सांप रहता है, तो यहाँ पे भी उसी तरह की नरम मिट्टी होगी, तो यहाँ पे कहीं पे भी सांप हो सकता है। अभी ना अंदर नहीं मैं जाऊँगा, अभी सांप भी डरा होगा कि मेरे पे हमला हो गया, और यहाँ पे बच्चों की बॉल भी एक पड़ी हुई है। तो कहते अभी ऐसा है कि सांप यहाँ पे ढूंढने आए थे, तो सांप हमें मिला ही नहीं है, और ना ही आग लगी यहाँ पे झाड़ियों को, तो अभी हम जाने लगे हैं वापस, तो इसे फिर इसी तरह छोड़ देंगे। मुझे वैसे उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने देखा था। तो यहाँ पे चेक करें ना, वहाँ से लेकर झाड़ियाँ तो कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अंदर जाने का रिस्क भी नहीं लूंगा, और इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म कर देते हैं। अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़।